आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 3 महीने की सजा हुई। 23 साल पुराने मामले में अब सांसद को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एमएलए एमपी कोर्ट ने सजा सुनाई। सजा के बाद संजय सिंह ने कहा कि मैंने अपने शहर के बिजली पानी के लिए आवाज उठाई। जेल, लाठी और मुकदमे से मेरी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। जब तक जान है देश के लिए लड़ता रहूंगा। आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा कि 2 दिनों से लड्डू बांटे जा रहे हैं कि संजय सिंह को सजा हो गई, पकड़ो, जेल में डालो। आपको पता है मामला क्या है। 23 साल पहले 2001 मामला है और अपने शहर सुल्तानपुर के लोगों के लिए बिजली पानी के लिए आवाज उठाई। इस मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप सांडा, कांग्रेस के पूर्व सभासद और बीजेपी के 2 नेताओं को सजा हुई थी। कुल 6 लोगों को इस मामले में सजा सुनाई गई थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जिन 2 साथियों ने नगर अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष पे सजा हुई, उनकी न्याय की लड़ाई भी लड़ूंगा क्योंकि वो आंदोलन में हमारे साथ थे। मेरा नाम संजय सिंह है, मैं गद्दारी नहीं कर सकता। आप बिना मामले समझे ही जश्न मना रहे हैं और सिर्फ संजय सिंह का नाम चला रहे। मेरी सहानुभूति आपके साथ है। बिना नाम लिए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे 6 महीने जेल में रखकर इतना तो समझ गए होंगे कि जेल, लाठी और मुकदमे से मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। मैंने तो सदन में भी कहा कि जब तक जान है देश के लिए लड़ता रहूंगा। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। ये 19 जून 2001 का मामला है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ नाका के पास आप सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप सांडा समेत कुछ लोगों ने बिजली पानी और अन्य जन समस्याओं को लेकर धरना किया। उस समय कोतवाली सुल्तानपुर में सब इंस्पेक्टर ने सड़क जाम जैसी तमाम धाराओं में इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया था। अब 23 साल बाद सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने संजय और अन्य अधिकारियों पर दोषी मानते हुए 3-3 महीने की सजा और 1500 से 150 रुपए का जुर्माना लगाया है। 9 अगस्त को ही लोअर कोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश जारी किया था, जबकि संजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर से मोहलत मांगने की याचिका दाखिल की। हालांकि 13 तारीख को कोर्ट ने संजय सिंह की मोहलत मांगने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने अपने सांसद समेत सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। सभी को 20 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया गया, जिसमें ये लोग पेश नहीं हुए और लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। संजय सिंह और अनूप सांडा के वकील मदन सिंह ने कहा कि हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच में संजय सिंह और अनूप सांडा की ओर से जमानत याचिका दायर की गई। इस मामले में सुनवाई 22 अगस्त को की जाएगी। ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन इंडिया।